We are at Professor Dog. Stem snow falling over here. And we are here. बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि यहाँ पर कम सर्दी लग रही है क्योंकि यहाँ पे वो है पर हवा इतनी नहीं चल रही फिलहाल। तो अभी हम उतरे, लेट्स सी व्हाट हैपन। इसको अगर उतार दे तो क्या होगा। मामा को लेके क्या अंदर, मामा ने नहीं करनी आज। मामा की तबीयत ख़राब है तो मामा को पहले देख लें। रंगा भाई इस टाइम बर्फ के अंदर खेल रहा है। आगे चलते हैं। बस मसला है कि मम्मा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होगी लेकिन कोई नहीं। वो पापा वो आगे चलते हैं ना, वहाँ पे टॉप पे चलते हैं। इस टाइम मामा 13,000 or 14,000 आई थिंक कन्फर्म नहीं है, इतने फीट हाइट पे खड़े बर्फ वो पे आगे लग रही है। हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि फिर आगे स्लीपिंग स्टार्ट अगर हो गई तो मसला हो जाएगा। हमें जाने के लिए आगे हम जाते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे सीन पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे वो ग्लेशियर है और इस टाइम यहाँ पर ट्रिप्स ज़्यादातर आए हुए हैं। ट्रिप्स में लड़के जो हैं वो थोड़ा सा शुगर वगैरह लगाते हैं, बाकी और अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। बात बोतल पीने का था लेकिन सर्दी इतनी है कि बोतल का सोचने का भी दिल नहीं कर रहा। यह किसकी चार्जिंग है तुम्हें बाकी कितना खास है। अरे था 50% था लेकिन अभी वो वीडियो बनाते बनाते सारी जो है ना बाबा के मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई। बाबा किससे लिए हैं हाथ उस टाइम जम गए हैं तो ज़्यादा बन नहीं रही। शुगल आए ऐ लाल है फिलहाल। अपनी गाड़ी हम ढूंढ रहे हैं और अपनी गाड़ी हमें मिल गई है फाइनली। शुक्र है गाड़ी जल्दी मिल गई है वरना उसी के अंदर फ़ोन नंबर था, उसी के अंदर फ़ोन नंबर है बिलाल भाई का जो हमारे ड्राइवर। लेकिन शुक्र है गाड़ी है सामने खड़ी और बर्फ स्नो फॉलिंग तेज से तेज तर होती जा रही है। हेलो बिलाल भाई, वो आगे कोई है रेस्टोरेंट है ना? असल में बाबा का मोबाइल बंद हो गया तो आपके साथ रब्ता नहीं हो रहा। मैं उनको उन्होंने कॉल की है ना। अच्छा मैं बुला लाता हूँ बाबा। और भी पता नहीं व्लॉगर्स हैं पता नहीं क्या है जो भी है हमारी कंपनी के ही लग रहे हैं। आगे होगा वहाँ इधर ही और बस बर्फबारी बहुत ज़्यादा से खज्जल कर गया। वेरी सुपर लड़की को मोटरसाइकिल वाले ने मार गया। लड़की बेचारी कह रही है पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे यहाँ पे। वी आर हियर नाउ।
हाफ कढ़ाई आ गई है और साथ रोटियाँ आ गई हैं, एंड अब हम इस पे हल्ला बोल देंगे क्योंकि इस टाइम खाना खा के बस आगे पता नहीं हम कहाँ पे स्टे करेंगे, कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं हुंजा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए कोशिश है कि लास्ट में स्टे करें, उसके बाद इंशाल्लाह कल देखेंगे। अभी बस खाना पैक कर लिया है और पैक करवा लिया, थोड़ा सा खा लिया है और फिर बस गाड़ी में चलते। क्या कह रहे हो? अच्छा अंदर आ जाओ माँ, गाड़ी में सुकून है। भाई साहब इस टाइम नींद फुल आंखों में, हम अभी यहाँ पे थ्री माउंटेन जंक्शन यहाँ पे हो गए हैं। यहाँ पे नांगा पर्वत है, यहाँ से नजर आता है, हमें जा रहे हैं ऊपर स्ट्रीट, देखते हैं जा रहे क्या फुल तक। अच्छा यहाँ पर दुनिया के आपने मशहूर तरीन पहाड़ी सिलसिले जो हैं और बड़े उनमें जो है तीन पहाड़ी सिलसिले जो हैं, थ्री माउंटेन जंक्शन इसी वजह से नाम है कि इसके अंदर तीन पहाड़ी सिलसिले में नंबर वन का नाम है हिंदू का, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है ब्राउन थोड़ा डार्क ब्राउन नजर आ रहा है, उसको कहते हैं हिंदू का ये पहाड़ी सिलसिला है पूरा, और ये छोटे मोटे नहीं है, दूसरे मुल्कों से जाके मिल रहे होते हैं, जैसे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उस तरह से हिंदू का शेप पूरा आपको ब्राउन नजर आ रहा है। इसके बराबर में आप देखते हैं बड़ा वाला जो ब्लैक कलर का है, इसको कराकरम कहा जाता है, कराकरम में सुन आप इसको कह सकते हैं जो ब्लैक, और उसके बराबर में हिमालय, ये सर ये सामने है ये हिंदू कश है, ये वाला सुन ब्लैक कलर, ये वाला ये कराकरम इससे पीछे जो है वो जो है वो हमारे पास है हिंदू कश, ये जो सेंटर वाला है इसको हम कहते हैं कराकरम, और इसी के बराबर में ये जो पूरा नजर आ रहा है ये हिमालय है, इसका कनेक्शन जाके नेपाल से मिलता है माउंट एवरेस्ट, नाम सुना होगा। जी 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 ठीक ठीक, हिंदू कश यार हिंदू कश का मुझे इतना आइडिया नहीं है, हिमालय का पता और कराकरम के टू से ये यही मिल जी। ये कौन सा ये वाले, इसका मुझे सर आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे नांगा पर्वत, हाँ ये नांगा पर्वत, नांगा पर्वत वो आपको जो बादल नजर आ रहा है ना उसके पीछे नांगा पर्वत जो दुनिया का आठवां बड़ा और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा पहाड़ है, और उसको किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है नांगा पर्वत। और ये वाला सर जो है सर कुछ मतलब वही बात है कि हर पहाड़ के नाम नहीं है, मैं आपका भाई गिलगित है, रूम देख रहे खड़े हुए हैं हम एक होटल में, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, गिलगित में हमने स्टे किया है, लेट्स सी कैसा होटल है, जो लास्ट टाइम था वो तो बहुत अच्छा था, इसके हालात देखते हैं। सॉन्ग है डाइगोनेट के 40 रुपए की गोलियां दे, पांच कितने की आएंगी? क्या डाइगोनेट की गोलियां? डाइगोनेट 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 कितना देना? 30 रुपए का पूरा बता, 20 रुपए का। आपका भाई इस टाइम नारायण के नज़ारों में घूम रहा है, नहीं नारायण के नहीं सॉरी गिलगित, पापा की उल्टी वाली वॉमिट्स वाली गोलियां नहीं हैं, इस टाइम फुल थका हूँ और बस जाके सो जाऊँगा, अभी 8:30 का टाइम हुआ मेरा, बस जाके सो जाऊँगा, हिम्मत कोई नहीं है, फिर आपसे मिलते हैं सुबह, बाय बाय।